कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे लघु उद्योग इकाइयों को राज्य सरकार दे रही है राहत। राज्य के 7 संभागों के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग सुविधा परिषद का किया गठन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। कोरोना महामारी के बीच जहां हर व्यापार से संबंधित लोग आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, वहीं लघु उद्योग इकाइयां भी इसी आर्थिक तंगी का शिकार बनी हुई हैं। बड़े उद्योग समूह द्वारा छोटी इकाइयों को पैसा देने में असमर्थता जताने के बाद लघु एवं मध्यम उद्योग इकाई संचालकों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई, जिस पर अब राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। MSME एक्ट का निर्माण 2006 में हुआ था। संभाग स्तर पर एक काउंसिल का गठन 25 सितंबर 2020 को किया गया, जिसका नाम सूक्ष्म लघु उद्योग सुविधा परिषद रखा गया। यह परिषद राज्य भर के 7 संभागों में गठित की गई है, जो 25 लाख रुपए तक के प्रकरणों का निस्तारण करेगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर 2 सुविधा परिषद गठित की गई है, जो 25 लाख से ज्यादा के प्रकरणों को देखने का कार्य करेगी। इसी को लेकर आज जिला उद्योग केंद्र में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सर बताएं, ये जो कोरोना काल बीता हमारे साथ, उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे जो लघु उद्योग इकाइयां थी, छोटी इकाइयां, उनके पेमेंट को लेकर हुई। ज़्यादातर बड़े पार्टियों ने उनके पेमेंट रोक ली और इनको नकार दिया कि भाई आपका पेमेंट हमारे देने की कैपेसिटी है नहीं। इस आधार पर बहुत सारी इकाइयां सिक होने लगी और ये सब चिंता का विषय बना, तो राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स में जो महत्वपूर्ण बिंदु था, नंबर 7 का जो बिंदु था, जो कि राहत देने के लिए था MSMEs को, हमारी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनको, कि एक एक्ट बना हुआ था 2006 में, MSMED एक्ट, उसके तहत एक काउंसिल बनी थी जो कि इन लोगों की सुनवाई करती थी। पहले काउंसिल बहुत छोटे रूप में थी, मुख्यालय स्तर पर थी, जिस पर की छोटी जो इकाइयां हैं उनका अप्रोच नहीं होती थी। तो ये सोचा गया उस टास्क फोर्स के द्वारा कि इन सब की जो कार्रवाई है, इनको राहत दिलाने की कार्रवाई के लिए हमें इन सभी इकाइयों के लिए एक संभाग स्तर पर जाकर, पहले तो सोचा गया जिला स्तर पर, लेकिन अब जिला स्तर पर संभव नहीं था, इस स्थिति में संभाग स्तर पर एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसका नाम है सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद। पूरे राजस्थान के 7 संभागों में इनका गठन कर दिया गया 25 सितंबर 2020 को, और एक 2 राज्य स्तरीय सुविधा परिषद का गठन किया गया। तो 25 लाख रुपए तक के जो प्रकरण आते थे, जिनमें कि छोटी इकाइयों के, जो कि हमारे जो जिलों में छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनके छोटे छोटे ही प्रकरण होते हैं, तो 25 लाख रुपए तक के जो प्रकरण थे वो संभाग स्तरीय सुविधा परिषद इसको देखेगी, और राज्य स्तर पर 25 लाख से ऊपर के 2 चरणों में अगर किसी के प्रकरण होते हैं तो राज्य स्तर पर देखा जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण, ये राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा राहत मिलती। हमारे द्वारा देखा गया कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का डिले पेमेंट बहुत सारी इकाइयों में, हमारे जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं या मीडियम स्केल की हैं या स्मॉल स्केल की हैं, इनके सबके पेमेंट थे, और इसका करीब करीब 60% तो राज्य सरकार के जो खरीदने वाले लोग थे, जैसे BSNL है, विद्युत निगम है, इस तरह की इकाइयाँ जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ थी, वो उन्होंने पेमेंट रोक रखे थे। तो हमने इसको प्रयास करके भाई कम से कम सरकारी पेमेंट जो इकाइयों के हैं वो, तो प्रथम चरण में सभी सरकारी पेमेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको तुरंत राहत मिल जाए। उसके बाद हम लेंगे जो छोटी इकाइयों ने बड़ी इकाइयों को माल दिया है और उनके पेमेंट रोक रखे, हो सकता है उनकी भी कोई दिक्कत हो, लेकिन हम एक समय अवधि दे देंगे कि इसमें इस तरह के काम हो। इसको 3 तरह से किया जाएगा। एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आर्बिट्रेशन और